फरियादी दौलत रावत पुत्र नारायण रावत निवासी शिव शक्ति गार्डन के पास कोलारस ने दिनांक 9/9/2023 को एक लेखिया आवेदन देकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 4/9/2023 के शाम करीब 6 बजे 3 अज्ञात व्यक्ति व 1 अज्ञात महिला द्वारा मुझे बाकंडे मंदिर के पास जंगल में ले जाकर मेरा महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाया तथा मेरी मारपीट की और मेरा वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देकर मुझे 25,000 लिए। इसके बाद फरियादी द्वारा थाना कोलारस में आकर रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट से थाना कोलारस पर अपराध क्रमांक 305/23 धारा 347 389 506 34 भादवी के पंजीकृत किया। प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। प्रकरण के अज्ञात आरोपीगढ़ जितेंद्र उर्फ जीतू रावत पुत्र नारायण रावत उम्र 30 वर्षीय निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना बैराड़ आरोपी उमा भारती उर्फ आरती लोधी पत्नी शंभू लोधी निवासी ग्राम थाटी गांव थाना इंदार अजय खंगार पुत्र नवल सिंह खंगार निवासी ग्राम भावखेड़ी थाना सिरसौत तथा नीलम परिहार पुत्र तोरड़ सिंह परिहार निवासी ग्राम भावखेड़ी थाना सिरसौत को पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। ये दौलतराम रावत द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया था 9 तारीख को, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 4 तारीख को उनके पास फ़ोन आया प्लॉट दिखाने के लिए कुछ लोगों को, फिर उसके बाद वो प्लॉट दिखाने के बहाने उनको मनखेड़ी हनुमान मंदिर के जो जंगल है वहाँ पर ले जाकर और फिर उनका असली वीडियो बनाया गया, तो फिर उसी पर से अपराध पंजीकृत करके विवेचना में लिया गया। तो उसमें ये निकला है कि जो दौलत राम है उन्हीं के दामाद द्वारा ये घटना मतलब करी गई है, षड्यंत्र किया गया उसका घटना। कितने लोग शामिल थे इसमें? इसमें एक महिला है और 4 लोग शामिल हैं इसमें। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? इसमें एक आरोपी शेष है और क्या कहते हैं बाकी सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो जो बनाया था पैसे लिए थे 25,000 रुपये की इनसे, तो क्या सर जिनका यही काम है कि इनका सर यही क्या कोई दुश्मनी के निकालने के लिए कार्य करते हैं? दौलत राम का जो दामाद है उसका ये कहना है कि उसकी पुरानी रंजिश है, वो इसकी खेती करता था जिसके पैसे उसके ससुर द्वारा नहीं दिए गए, तो उसी रंजिश पर से उसने ये काम किया।